माननीय बड़ा भाई श्री जगदीश चंद्र महतो को ईटागढ़ विधानसभा में विपुल भर में विजय बनाकर यहाँ के ईटागढ़ में एक ऐतिहासिक रचने में साझा करेंगे। अब तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान जगदीश चंद्र महतो जी से कि आप हमारे बीच में आए हुए सभी भाई बहनों युवा साथियों को सबको अपने बात में रखेंगे। धन्यवाद जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संचालक छोटे भाई ईटागढ़ आजाद सिपाही उपाध्यक्ष प्रेमचंद माता को और जो हमारा हमारे यहाँ पर जितने भी छात्र नौजवान किसान गुरुजन बुद्धिजीवी एवं उपस्थित सभी जनसमूह को मेरी ओर से बहुत बहुत समर्पित भाव से प्रणाम जोहार। आज जिस तरह से हम लोगों के संगठन के प्रति आप लोगों ने आभार व्यक्त किया है, ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ये लड़ाई जो हम लोग ईटागढ़ आजाद सिपाही, इसका मतलब हम समझा रहे हैं कि ईटागढ़ विधानसभा 30 साल से हम लोग गुलामी में, तो हम लोगों को आजादी चाहिए कि नहीं, इसीलिए ये संगठन बना है। ईटागढ़ विधानसभा को आजादी चाहिए और यहाँ के 2,52,000 वोटर को आजादी चाहिए, यहाँ के किसानों को आजादी चाहिए और यहाँ के ईटागढ़ विधानसभा के धरती को आजादी चाहिए। आज यहाँ हमारे यहाँ पर आज हम लोग देखते आ रहे हैं 30 साल से जब से चुने नेता आकर यहाँ पर शासन करते हैं। हम लोगों को ऐसे लगता है कि जमशेदपुर में कंपनी में घर सीमेंट का फैक्ट्री हुआ करता था, स्टील उत्पादन होता था, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि ईटागढ़ विधानसभा में लड़ने के लिए जमशेदपुर में नेता का फैक्ट्री है। तो हम लोग उस फैक्ट्री का नेता को नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए ईटागढ़ विधानसभा के जो खेत खलिहान जल जंगल और यहाँ के जो पहाड़ पर्वत से उत्पन्न हुआ है, जो प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा नेता चाहिए। शहर से तो नेता आते हैं, बाहर से वे लोग कोई काम का नहीं है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं और आप लोग देख भी चुके हैं। हम लोग किसी का 15 साल देखे हैं, तो किसी का 10 साल, तो किसी का 5 साल। बताइए उन लोगों का शासन में आज तक किसका विकास हुआ है? न किसान का विकास हुआ, न छात्र का विकास हुआ, और न महिला का विकास हुआ, और न यहाँ के बुद्धिजीवी किसी का विकास नहीं हुआ। उसके बदले में हम लोगों को सिर्फ शोषण मिला। अगर हम लोग उसके खिलाफ बगावत करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो बाहरी नेता हम लोगों को सिर्फ खींचने का काम करता है। तो ऐसा ईटागढ़ वासी ऐसा क्योंकि हम लोग इच्छुक नहीं, इसलिए ईटागढ़ आजाद सिपाही ये संगठन आप लोगों की बदलाव और जो हमारे 2,52,000 वोटर नहीं पहुंचे हैं उसकी आवाज है कि हम लोगों को आजादी चाहिए। आज हम लोग जानते हैं कि इस विधानसभा में किस तरह भारतीय जनता पार्टी हो, आजकी पार्टी हो, जेएमएम हो या तो जेडीएम हो, हम लोग हर बार पार्टी को देखे, चाहे राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, हर किसी को यहाँ पर 30 साल से चलाते आए हैं, लेकिन 30 साल में पार्टी कोई काम का नहीं हुआ। यहाँ आज माफी की जरूरत है और माफी की आवाज की जरूरत है, चाहे हम लोग कोई जोर से रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग इस बार 2019 में इतिहास रचने जा रहे हैं। और ये भी जान लीजिए हमारी जो वर्तमान विधायक है और वर्तमान सरकार में जो साझेदार पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी, ये दोनों का लुका छुपी खेल चल रहा है।
को गांव में क्या बोलते हैं उसे मुकर जरूरी है। ये लोग सिर्फ शोषण करने के लिए हटाए। ये दोनों पार्टी अभी तक भी उन लोगों का गठबंधन विराजमान है। अभी तक भी उत्तर मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता है और अलग अलग जमीन में साल छुट्टी है। इन लोगों को सिर्फ सुरक्षा चाहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, तो हमने भी बताना है। और यहाँ के नौजवान का आवाज बनना है। इस तरह से ये दोनों पार्टी ने झारखंड में जो नियुक्ति हुआ, जैसी इसकी एक तीसरी हो, बाहर के नौजवान को नौकरी देने का काम करता है, उसका भी बदला लेने का समय आ गया है। और उसके खिलाफ जिला में सिरा होगा। आज ये नेता उस मामला में एक भी शब्द नहीं बोलते हैं कि हम कितना नौकरी बांटे। ये भी तो भाई है। आज अगर उन सरकार ने काम किया है तो उसका एक भी मंच में आवाज नहीं सुनिएगा। और हम लोगों का लड़ाई उसके खिलाफ है। और ईटागढ़ में आजादी चाहिए। आज ईटागढ़ में किसान बहुत बड़ा दुखित है। पूरे विधानसभा में सूखे की मार है। पूरा विधानसभा में देश का अत्यंत भी खेती नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टी का नेता किसान हित में नहीं बोलेगा। ये जान लीजिए जेबीन के कैंडिडेट सोमिता महतो ने किसान के लिए कुछ करने वाले नहीं है। और साधु चरण महतो भी नहीं बोलेंगे और राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट भी नहीं। और यहाँ पे जेबीएम हो चाहे कांग्रेस हो, सारे के सारे यहाँ पर शोषण करने के लिए आए हैं। हम लोगों को चिल्ली चिल्ली का नेता नहीं चाहिए। अभी चुनाव का पक्ष है, बता रहे हैं बड़े बड़े नेता ईटागढ़ में उतरेंगे। कोई हेलीकॉप्टर में उतरेगा, कोई एरोप्लेन लेकर उतरेगा, कोई रॉकेट में उतरेगा, लेकिन वो लोग 5 साल में चुनाव जीतने के बाद आप लोगों के बीच कभी नहीं आएंगे, ये भी जान लीजिएगा। और हम लोग हारे पार्टी के इस ईटागढ़ विधानसभा में हर घर में दस्तक देंगे, हर गांव में रहेंगे, हर प्रखंड में जाएंगे, हर हमारे अनुमंडल में हर दिन आएंगे। लेकिन ये साधु महतो, सविता महतो, चाहे विनोद राय जी हो, चाहे हमारे यहाँ पर बालखान सिंह जी हो, ये लोग आप लोगों के बीच आने वाले नहीं है। आप लोग उन लोगों को वोट दे सकते हैं, लेकिन ये भी जानिए कि आप लोगों के बीच कौन है और कौन नहीं है। अरविंद सिंह जी का हम लोग 15 साल शासन देखे, आज तक किसी को कुछ हुआ ना, किसी का ठेकेदारी लाइसेंस बना और ना किसान के लिए कभी उन्होंने आवाज उठाया, कभी नहीं। लेकिन वही दूर विधायक आज बोल रहा है हमारे संगठन को कि कुछ आदमी बाहरी बिक्री का मुद्दा उठा रहा है और ये कुछ भी बड़ा आदमी है। तो हम लोग इस मंच से कोई तो आदमियों को सविता महतो जी का भी जमीन खिसकने का डर है। सविता महतो जी का हस्बैंड जो सूरत में हम लोग इस विधानसभा में उसको बहुत बड़ा पोस्ट में किसके सीएम में विराजमान कर चुके थे, लेकिन उन्होंने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, ये भी जानना होगा। और हमारे वर्तमान विधायक का कहानी निराला है, इसको भी जानिए। और राष्ट्रीय कैंडिडेट जान के आप लोग वोट कीजिए, ये हक और अधिकार की लड़ाई है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर किसी के पास धन है तो ही चुनाव नहीं जीतता है। अगर धन से ही चुनाव जीता जाता तो मुकेश अंबानी और अंबानी जी आज प्रधानमंत्री बन के रहते। इन लोगों का एक ही गर्व और एक ही अहंकार है कि हम लोग ईटागढ़ विधानसभा जाएंगे और संकल्प से जीतेंगे। कभी नहीं हो सकता है भाई, ईटागढ़ विधानसभा के नौजवान, ईटागढ़ विधानसभा के किसान और ईटागढ़ विधानसभा के महिला आज सरस है। आज बताइए कि इस साल में हमारे विधानसभा में ये लोग कहीं कॉलेज खोला शिक्षा के लिए, इन लोग कॉलेज खोलने का बात नहीं करेंगे। आज होना चाहिए कि नहीं, निश्चित होना चाहिए, लेकिन उसका बात नहीं करेंगे। आज हमारे विधानसभा में सारे स्वास्थ्य केंद्र, चाहे अनुमंडलीय स्तर का अस्पताल हो,
सारे के सारे पंच बने हुए हैं, लेकिन हमारे विधायक मौज मस्ती करते हैं और वे फिर से दावेदारी कर रहे हैं कि हमसे और 5 साल मौका दिया जाए। वे आपके पास झूठ के पक्ष झूठ चांद पर पंच लेकर आएंगे, बोलेंगे कि मेरा रघुबरदास जी से 36 का आंकड़ा था और हमको काम करने नहीं दिया। और यही विधायक है चंद्रचरण महतो जी, जिन्होंने तीसरा चीज के बारे में क्या क्या नहीं बोला। हर जगह घूम घूम कर प्रचार करते थे कि विस्थापित को 25 लाख 15 लाख देंगे, आज क्या किसी को मिला? नहीं मिला। उसके बावजूद भी हम लोग वैसे वैसे झूठे नेताओं को अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताने का काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ निष्ठा भाव से समर्पित होकर वैसे वैसे नेताओं को हराने का काम करना होगा और इटागढ़ विधानसभा से बाहरियों के शासन को मुक्त करना होगा। हम लोग शुरू से बोलते हैं कि बाहरी हमारे समस्या पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, चाहे सविता महतो जी हो, चाहे साधु महतो जी हो, चाहे मलखान सिंह जी हो, चाहे हरिमान महतो जी हो, चाहे राय जी हो, ये लोग हम दल से चुनाव जीतने का काम करेंगे भाई। और जीतने के बाद आप लोगों के बीच कभी नहीं आएंगे और विधानसभा में एक दिन आवाज नहीं उठाएगा ये लोग। तो आप लोग कैसा विधायक चाहिए ये आप लोगों को तय करना होगा कि जो चीज को सारे मुर्गा वाला विधायक चाहिए कि विधानसभा में अपना हक की आवाज अधिकार को अधिकार की आवाज को बुलंद करने वाला चाहिए, ये आप लोगों को तय करना होगा। और ये भीड़ छोटी नहीं आए, कभी हताश नहीं आई है, भैया विधानसभा में अपना वोट ले जाकर इन लोगों का एजेंडा को प्रचारित कीजिए कि इन लोग क्या किया और क्या नहीं किया, ये हम लोगों को जानना है, तब जाके हमारे विधानसभा आजाद होगा, अन्यथा हम लोग गुलामी रहेंगे। तो इसीलिए सभी हमारे यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं सबको हम लोग बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से इंटागर आजाद सिपाही का कार्य दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि चुनाव आते आते 12 दिसंबर तक पूरे विधानसभा में इटागर आजाद सिपाही का नाम गूंजेगा और इटागर आजाद सिपाही आपका छोटा भाई जगदीश महतो, हम कोई नेता नहीं है, हम आपका बेटा है, आपका भाई है, और जहां भी समस्या होगा चाहे कोई भी हो, अगर ये लोग शोषण करेंगे तो उस जगह पर सबसे पहले हम लोग इटागर आजाद सिपाही का एक 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 कार्यकर्ता खड़ा होगा और इटागर विधानसभा का तस्वीर एक सबके बदलने का काम करेंगे। लेकिन आप लोगों को सहयोग करना होगा और सभी मत भूलिएगा कि बड़े पार्टी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं तो उसी को वोट देना होगा, ये सभी धर्म से निकाल दीजिए। हेलीकॉप्टर में उतरने वाला ऊपर में उड़ता है, वो लोग को जमीन दिखाई नहीं पड़ता है, वो लोग को जमीन दिखाई पड़ता तो आज हम लोगों का खेत खलिहान सुखा हुआ है, चांदी जेल में पानी भरा हुआ है, लेकिन इस जेल का पानी पूरे अनुमंडल में उठाने का बात नहीं करता है, ये पानी देने का काम करता है जमशेदपुर का विधायक जीतने के बाद, और हम लोग इससे होने नहीं देंगे। और ये तो अभी वर्तमान में जो नेता इंटागढ़ विधानसभा में खड़ा हुआ है उसका एक ही उद्देश्य है भाई, हमारे यहाँ जो इंटागढ़ विधानसभा में बालू है, बालू को उठा के खत्म करेगा और हम लोगों को बिल्डिंग बनाने के लिए बालू नहीं मिलेगा, हम लोगों को 25,000 सुरक्षण बालू खरीदना होगा, ये इन लोगों का सवाल है तो उसका सर्जन को भी समझना होगा। और 30 साल में हम लोगों को पूरे पहाड़ पर्वत को तोड़ कर यहाँ पर पत्थर ले जाके बेचने का काम करते हैं, तो इन लोगों का उद्देश्य है इटागढ़ में यहाँ के जल पानी को तेल को किसको में देना, यहाँ के पहाड़ पर्वत को तोड़ कर अपना फायदा उठाना और यहाँ के बालू को उठा कर ले जाएंगे। इसलिए आपके बीच अरबों रुपया चुनाव जीतने के लिए पैसे
हमेशा बढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों को चाहिए कि क्या करना है, और आप लोग ये भी जान लीजिए कि हमें जाने का भाई लगता है, हमें गोरचा देखी बेटी भी आ गई कि बड़े बाप जाके देखिए गोरचा के देखिए साधु महतो ऐसे मोदी नाम भोट दे अमर नाई अमर सरकार गोरचा देखी भी आ रही थी और खेल बन सकते हमें हमारे है मोदी आसे तो आसे ठीक आसे अरे लाल माता मिल गए सुदेश माता के देखिए यार भोट दो। अरे भाई हम लोग जानी जेवन सौपे बेटा के नाम आयो वो हमारे दीदी की पोस्ट पर गए सर को हमारे केंद्रीय के सर इसकी भी आते तो एक गुण साउंड अपना लेके सचेत होते हुए आज नीचे रक्षा कुछ हो गए हमारा एक कुदाई माटी के लिए ग्राम में खेत की चापेटी हो लेकिन हमारे नए क्षेत्र বাইরের নেতারা নিয়ে যাচ্ছে ওটার জন্য আমরা আর কোন উনার খিলাপে ঢোকাওতে নাই তো কি আর আওয়াজও নাই উঠাচ্ছি তো এটার খিলাপও আওয়াজ উঠাতে হবে। ইটাগড় বিধানসভায় অনেকদিন তো শোষণ হইল আর শোষণ না হোক এই জন্যেই আমি বাড়ির যে বিরাম দিচ্ছি বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাদের এই ইটাগড় আজাদ সিপাহী সংগঠন আর এই কার্যকর্তা ভাইকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমার কিষাণ একটা জিন্দাবাদ ইটাগড় বিধানসভা কে কে চাইবে ইহা কে ছাত্র কে কে চাইবে ইহা কে কিষাণ কে কে চাইবে ইহা কে নৌজওয়ান কে কে চাইবে ইহা কে মহিলা কে কে চাইবে এ কি আওয়াজ আ রহা হ্যায় কি ইটাগড় বিধানসভা মে আজাদি চাইয়ে বহুত বহুত ধন্যবাদ সবকো মেরি তরফ সে বহুত বহুত আভার বহুত বহুত ধন্যবাদ आप लोगों का जैसे भी हम लोग सेवा कर पाइए आप दुखित में हो।